जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो राजस्थान की तरफ से आ रही है कि राजस्थान में भी स्कूल कॉलेजेस जो है एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 16 जनवरी तक सभी स्कूल्स जो हैं वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी अगले आदेश आने तक सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के सवाल इस चीज को लेके आ रहे हैं कि क्या आगामी 15 जनवरी तक ये उम्मीद है कि 12th तक के स्कूल जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, या फिर जो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का संशय है उसको लेकर सरकार जो है क्या निर्णय लेने वाली है। तो इस विषय पर इस वीडियो में हम गंभीरता से बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कि एक्चुअल में अगर स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं या फिर ये जो प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है पिछले 2 साल से विद्यालय बंद है, क्या इसका विद्यार्थियों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर इस बीमारी से प्रोटेक्शन के लिए यही एक सिंगल ऑप्शन बच जाता है कि हमें अपने बच्चों को घर में बंद रख लेना चाहिए, अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। पढ़ाई से चलिए उसकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बट उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट का क्या, किस तरीके से हमारा बच्चा जो डांसिंग क्लास के लिए बाहर जाता था, सिंगिंग सीखने के लिए बाहर जाता था, और भी ऐसी तमामों दिन की ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हम चाहते थे कि हमारा बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, बट अब वो चीजें जब ऑनलाइन सारी चीजें आ जाती हैं, पढ़ाई रोक दी गई है, बच्चों को बाहर जाने से मना किया जा रहा है, तो ऐसे में ये सारी चीजें, ये सारे विकल्प हम अपने बच्चों के लिए कहां से लाएं, ये एक बड़ा सवाल या निशान बन के खड़ा हो जाता है पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने। बट कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह आती है। एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म मुझे मिला जो जेन्युइनली मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी, अबाउट येलो क्लासेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मोर देन 100 आपके बच्चे के हॉबी और इंटरेस्ट क्लासेस जो है यहां पे आपको कराई जाती है। एक एप्लीकेशन है जो टोटली फ्री है। येलो क्लासेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट भी आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेंगे है, एंड तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स और मेंटर्स हैं यहाँ पर जो आपके बच्चे को फ्री में उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सारी लाइव क्लासेस जो है वो देते हैं। मतलब फेस टू फेस आपके बच्चे के साथ उनका इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा मार अगर कोई झेल रहा है तो वो या तो टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स, और ऐसे में बच्चे जो है वो ना तो ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही उनका बाकी जो बौद्धिक विकास वो रुक गया है, उसका इंटरेक्शन अपने फ्रेंड्स के साथ रुक गया है। ऐसे में पढ़ाई के नाम पर जब उससे किसी बैचेस में, किसी ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्ट करने के लिए कहा जाता है तो हमारा बच्चा जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, उसे ज्यादा मजा नहीं आता। बट वहीं उसकी पसंद की ऐसी चीजें, ऐसी क्लासेस में आप उसे इन्वॉल्व करा देते हैं, उसे पेंटिंग का शौक है, उसे डांसिंग का शौक रखता है आपका बच्चा, सिंगिंग का शौक रखता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक रखता है, जनरल अवेयरनेस आपको अपने बच्चे की, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपने बच्चे की, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है आपको अपने बच्चे का, इन सारी स्किल्स के ऊपर जब परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो रामबाण का काम करते हैं कि पेरेंट्स की गाइडेंस और उनकी ऑब्जर्वेशन हर टाइम अवेलेबल होती है। वो मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा किस ट्रैक पे चल रहा है, क्या वो सही एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा, उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो ग्राफ जो है वो क्या है। चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी येलो क्लास का कि अभी क्या है जो मेरे नोटिस में आया, जिसकी वजह से मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अभी इन लोगों का कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है और इस कॉन्टेस्ट में अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो वो स्टूडेंट्स जीत सकते हैं 1,00,000 रुपए की कैश अमाउंट तक का एप्पल लैपटॉप। और पार्टिसिपेट करना भी बेहद आसान है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है और लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसे यूज करके आपको क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर देनी है। टाइम टाइम पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने के लिए इस तरीके के कॉन्सर्ट्स और कॉम्पिटिशन्स इस एप्लीकेशन पे कराते रहते हैं, वो भी फ्री होते हैं, उसका भी कोई एडवांस चार्जेस नहीं होते। तो कहीं ना कहीं जब आपका बच्चा सीख रहा होता है उसके साथ साथ उसे कुछ रिटर्न में गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं ना, तो वो और ज्यादा मोटिवेट होता है, उसे और ज्यादा मजा आता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को, जो हम कह रहे हैं कि कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चे अकेले रहकर उनकी ग्रोथ जो है वो रुकती जा रही है, स्कूल ऑलमोस्ट फिर से बंद होने की कगार में है, और जिस वजह से अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जो एग्रेसिव स्टेप्स नहीं ले रहे हैं स्कूल क्लोजिंग को लेकर, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें, पूरी तरीके से लॉकडाउन स्थिति, जिस तरीके से केसेस, न्यू केसेस निकल के आ रहे हैं,
वो बंद नहीं हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शंस हैं। इन इलेक्शंस जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, पंचायत इलेक्शंस थे, जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुए थे, जब तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे, सेम प्रोसेस रिपीट किया जा रहा है, बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, टीचर्स अभी जाएंगे स्कूल, उसके बाद इलेक्शंस होंगे और उसके बाद पूरी उम्मीद है कि स्कूल को अभी पूरे टाइम के लिए जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और ये सभी राज्यों में किया जाएगा क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है, गैदरिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, न्यू प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो ऐसे स्थिति में स्टूडेंट जो है प्लीज आप अपनी पढ़ाई पर, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। आप लोग इस न्यूज पे अटेंशन करते हैं कि स्कूल कब बंद हो रहे हैं, आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, बट रेदर देन जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी पढ़ाई है, मुझे नहीं लगता स्कूल बंद होने से खुलने से उस पर कोई फर्क पड़ना चाहिए। आपके एग्जाम्स जो है वो होंगे, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कुछ लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं कि मैम कैसे भी स्कूल बंद करवा दो, इस बार पिछली साल की तरह हमारे भी बोर्ड जो है ऐसे ही नहीं पार करवा दीजिए, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। अगर आप आज एक शॉर्टकट मारने की सोचते हैं तो ये मान के चलिए आप अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या होगा जब आप ग्रेजुएशन पास करेंगे, क्या होगा उसके बाद जब आप अपनी कोई प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए, उसके लिए क्वालिफाई करने के बारे में सोचेंगे, हर टाइम पे आप इस सो कॉल्ड ओमिक्रॉन कोरोना इनका इंतजार करेंगे कि इसके बेस पर आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए? एंड व्हाट अबाउट द जॉब? जब आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी ही नहीं तो इस कंपटीशन भरी दुनिया में आप जॉब कैसे असेस करेंगे? ठीक है, तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए। जो सारी अपडेट्स हैं वो तो चैनल के माध्यम से मैं टाइम टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये अपडेट्स, ये न्यूज जो है वो पसंद भी आती होंगी। अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियोज को लाइक जरूर किया करिए, आगे फॉरवर्ड किया करिए, जो ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है और पेरेंट्स और टीचर्स तक पहुंचे, और जो आपका नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर दबा के रखा करिए, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती है।